मुझे पीसीओडी है, पूरी स्किन बर्बाद हो गई है, एक्ने मार्क्स और फेशियल हेयर भी है, काफ़ी लो फील करती हूँ लोगों से मिलने में और स्पेशली धूप में तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। तो देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लाइक आपको अपने आप को लेके ना लो फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय चैनल। आप लोग कब से कमेंट कर रहे हो कि प्लीज़ पीसीओडी पर और इरेगुलर पीरियड्स पे एक वीडियो बना दो, बट ना मैंने काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया है एंड आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। बट आज मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनका मैं रिप्लाई करूँगी, ऑल्सो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड कर भी आपको बताऊँगी। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द कमेंट्स। मैंने ना कमेंट्स सारे यहाँ पे डायरी में नोट डाउन कर लिए थे, वरना वीडियो बनाते टाइम मैं भूल जाती। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कमेंट। उससे पहले ना मैं बता दूँ कि मैं अभी भी हेयर वॉश कर आई हूँ और बाल काफ़ी मेसी हो रहे हैं क्योंकि मैंने कॉम नहीं किया है, और आज मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप लोग कब से रिक्वेस्ट कर रहे हो और इसके बाद ना फिर पता नहीं मैं कब वीडियो बना पाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे ही मेसी लुक के साथ वीडियो बना दिया। सो इसको इग्नोर कर देना प्लीज़। तो हमारे पास फर्स्ट कॉमेंट है, मतलब मेन तो जो कॉमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं वो सब यही है, मेक वीडियो ऑन पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स पे वीडियो बनाओ, इरेगुलर पीरियड्स को कैसे मैनेज करते हैं, ये वाले हैं। तो फर्स्ट कमेंट है हमारे पास, आपको फिर से इरेगुलर पीरियड्स है, प्लीज़ दी आप बताएं इसको रेगुलर करने के लिए आप क्या करते हो, कौन सी दवाई लेते हो। मैं ना अभी आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। सेकंड कमेंट हमारे पास है, इरेगुलर पीरियड्स को कैसे रेगुलर करें, ये भी आपको उसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आई हैव, ये वाला कमेंट है, मुझे पीसीओडी है, पूरी स्किन बर्बाद हो गई है, एक्ने मार्क्स और फेशियल हेयर भी है, काफ़ी लो फील करती हूँ लोगों से मिलने में और स्पेशली धूप में तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। तो देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लाइक आपको अपने आप को लेके ना लो फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी क्या ही फ़र्क पड़ता है ना दूसरों से, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, इसलिए इम्प्रूव करो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ना कि इसलिए कि दूसरे क्या कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मेरे पास इससे रिलेटेड कि फेशियल हेयर के साथ कॉन्फिडेंट फील कैसे करते हो। मेरे पास भी ना, मतलब जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया मेरे पास बहुत बुरे कमेंट्स भी आते हैं। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती थी कि इसको तो मेरे को देखो, मेरे को खुद को डार्क सर्कल्स है, मेरे को बहुत सारे इतने मार्क्स है, मेरे को भी इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं भी ओवरवेट हूँ। बट मुझे पहले बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता था, अब मुझे मतलब लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना और कुछ तो लोग कहेंगे, तो आप अपने लिए करो आपको जो करना है, दूसरों के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने से लेके देखो, अगर आप किसी पे कमेंट कर रहे हो, आपको कोई पब्लिक में कोई दिखा और आप उस पे कमेंट कर रहे हो, तो वो आपके दिमाग में कब तक रहता है, मतलब आपने कमेंट किया और बात ख़त्म, मतलब आपके पूरी लाइफ टाइम उसकी ही बुराई करते रहते हो कि वो ऐसा दिख रहा था, वो ऐसा दिख रहा था, वो ऐसा दिख रहा था, नहीं ना। तो किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो चिल करो, है ना। नेक्स्ट है, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए बताऊंगी, क्या नहीं खाना चाहिए जो स्ट्रिक्टली नो है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब मेनली ना सारे यही कमेंट्स हैं, तो ये मेरी जो पूरी जर्नी है उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट विद माय जर्नी। 2017 से मुझे इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, बट फिर ना एक दो साल तो ऐसे निकल गए थे क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक दो साल बाद मैंने चेक कराया तो पता चला कि मुझे पीसीओडी है। फिर मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिया, बट उसका मतलब कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि मेरा उसको लेने से ना वेट गेन हो गया काफ़ी ज़्यादा। मेरा वेट 53 से 63-64 कुछ हो गया था। फिर उसके बाद उस पर ना मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया है, तो आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। मैंने उस टाइम का पूरा बताया हुआ है कि क्या क्या हुआ था। एंड देन फिर ना लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा तो 26 अप्रैल 2020 में ना मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद ना मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। लाइक मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे ना अपने आप को ठीक करना ही करना है, क्योंकि मैं वीडियो बनाती थी स्किन के ऊपर और थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी, तो मुझे ना मतलब नहीं होता कि जुनून हो गया था कि हाँ मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो फिर ना मैंने इंस्टाग्राम पे ना 2-3 ये पेज फॉलो करने स्टार्ट किए थे जिनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। ये लोग बताते थे कि क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या मतलब ये सारी चीज़ें वो बताते थे। तो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना। उस टाइम पे तो इनके बहुत कम फॉलोअर्स थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो इनसे मेरे को थोड़ा हेल्प लिया, मैंने थोड़ा हेल्प लिया और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने स्किपिंग करना स्टार्ट किया था। मैंने ना बचपन से बहुत ज़्यादा स्किपिंग करी थी, तो मुझे आदत थी। मैंने ना स्टार्ट ही 500 से की थी। फिर मैंने मतलब 500 करी, फिर वीकली मैंने बढ़ाया,
एक वीक के बाद 500 और बढ़ाया, फिर 1000 हो गया, फिर 1500, फिर 2500 बस, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो मैं एक टाइम में 2500 जो है स्किपिंग करती थी, और मतलब मेरे को ना ऐसे था कि बिना रेस्ट के मुझे करना है, मैं गैप नहीं देती थी। 500 का एक सेट मारा, फिर 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 500 का मारा, फिर 5 मिनट का रेस्ट लिया, बढ़िया मोटिवेशनल वाले गाने चलाए, और ऐसे मैं स्किपिंग करती थी। उसके बाद ना मैंने अपनी डाइट को अच्छा किया, कुछ चीज़ें मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दी, एकदम ज़ीरो, मैंने शुगर एकदम ज़ीरो कर दिया था, जंक फूड एकदम ज़ीरो कर दिया था, और डीप फ्राइड फूड जो था वो घर पे भी बना हुआ एकदम ज़ीरो कर दिया था। और अपनी डाइट के अंदर मैंने बहुत सारा प्रोटीन ऐड किया था हर मील के अंदर, नट्स मैंने ऐड किए थे ओवरनाइट, सो ऑल्सो मैंने बेसन चीला, पनीर, टोफू और जो स्प्राउट्स होते हैं वो खाना स्टार्ट किया था, कोकोनट वाटर पीना स्टार्ट किया था, कोकोनट की जो मलाई होती है या जो कच्चा कोकोनट होता है वो भी मैं खा लिया करती थी। तो ये सब चीज़ें मैंने करी थी। शुगर अगर आप मुझसे पूछोगे, मतलब किसी से भी अगर आप पूछोगे ना, तो जो शुगर है ना वो पीसीओडी वाला के लिए, मतलब हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, अगर कोई हेल्दी भी है तो, अगर कोई अनहेल्दी भी है तो, जहर की तरह काम करता है। तो शुगर तो आपको अवॉइड करनी ही करनी है इसके अंदर। एंड रोटी अगर मैं खाती थी तो मल्टीग्रेन वाली, जिसके अंदर वीट की क्वांटिटी बहुत कम थी, उसमें सोयाबीन और चने का जो आटा होता है, रागी का आटा होता है, ऐसे कुछ 5-6 फ्लास जो थे वो ऐड किए थे, तो वो मैं रोटी खाती थी, सिर्फ एक टाइम खाती थी। वाटर इनटेक आपको बहुत ज़्यादा करना है, मतलब लाइक 3-4 लीटर आपको एक दिन का पीना ही पीना है, तो ये आपको करना ही होगा। एंड सिर ये सब करके, मतलब ये सब मैंने फॉलो किया था, 8-9 मंथ तक मैंने ये फॉलो किया था, और मेरा वेट जो है 10 kg कम कर लिया था मैंने ये सब करके। और सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप साइकिल, मतलब घर पे थी मस्त, लॉकडाउन में कहीं जाना होता नहीं था, तो सुबह 6 बजे उठ जाती थी और रात को 10 बजे सो जाती थी, और सुबह उठ के मैं प्राणायाम करती थी, करती मैं दो ही थी, एक अनुलोम विलोम करती थी और एक कपालभाति करती थी। 15 मिनट से स्टार्ट किया था, फिर आधा आधा घंटा, मतलब 1 घंटा मैं कर लिया करती थी, बट वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सब मैं फॉलो कर रही थी उस टाइम पे, और जब मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था उसके 2 महीने बाद ना मुझे खुद से बिना किसी दवाई के रेगुलर पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बस इतना ही नहीं, मेरी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई थी, एक्ने पिंपल्स बिल्कुल चले गए थे, एक्ने मार्क्स भी, एक्ने स्कार्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, स्किन पे नेचुरल ग्लो आ गया था, और ब्लश भी एकदम नेचुरल आ गया था। और स्किन को चाहिए क्या होता है, अच्छा खाना और अच्छे से प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर लो, बस स्किन भी खुश, आप भी खुश। लेकिन फिर मैंने ना जॉब ज्वाइन कर ली थी 9-10 महीने बाद ही, और वहाँ पे जाके मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, ना एक्सरसाइज थी, घर से दूर रहती थी, तो खाना पीना भी कुछ खास अच्छा था नहीं, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो 3-4 महीने तक तो ये मेरे को पीरियड्स जो थे वो रेगुलर आए, क्योंकि ऑब्वियसली इतने लॉन्ग टाइम तक मैंने सारी चीज़ें करी थी, तो कुछ टाइम तक तो उसका असर रहेगा, बट 3-4 महीने के बाद मुझे फिर से ये रेगुलर पीरियड्स होने स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे ये था कि ये सब तो मैं वहाँ पे फॉलो नहीं कर सकती हूँ, मेरी कमी है, क्योंकि मैं इतने एफर्ट्स नहीं डालना चाहती थी। ऐसा होता था कि ऑफिस से आई, थक गई और सो गई, कुछ करती नहीं थी, बट फिर मेरे को प्रॉब्लम तो हो ही नहीं थी इरेगुलर पीरियड्स वाली, तो मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ ना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एक्ने होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड उसके बाद फिर ब्लोटिंग होती है, गैस बन जाती है, पेट बहुत भारी हो जाता है, वेट भी गेन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिर मैंने होम्योपैथी दवाई लेना स्टार्ट किया, तब मैंने दवाई लेना स्टार्ट किया, तो उसके मेरा मेरे को किसी ने रिकमेंड किया था, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे, और लेने खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, बट आपको ना रेगुलर लेनी पड़ेगी, तो मैंने वो रेगुलर रखी थी काफ़ी टाइम तक। बट शादी के 2 महीने पहले ना मुझे लगा था कि अब मेरे को नीड नहीं है इसको लेने की, तो इसको छोड़ देती हूँ, मैंने छोड़ दी। फिर 3-4 महीने बाद अब मुझे फिर से इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई, तो मैंने फिर से होम्योपैथी दवाई पे जो है खाना स्टार्ट किया है, क्योंकि आई नो कि मुझे खुद को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं कोई एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ, और मेरा वेट भी अब फिर से 66 kg हो गया, मतलब पहले जितना था उससे भी ज़्यादा हो गया, तो मुझे खुद को अपनी बहुत टेंशन हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं मुझे थायराइड ना हो गया हो, तो मैं भी वर्क करना चाह रही हूँ, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं खुद नहीं कर रही हूँ, बट मुझे पता है, क्योंकि मैं उस फेज से ना निकली हूँ जो मेरा बहुत अच्छा था, जब मैंने बहुत मेहनत करी थी, कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल वैसा कर लेंगे ना तो हमें कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद चाह रही हूँ कि मैं अपना लाइफस्टाइल वापस से वैसा शिफ्ट कर लूँ, और मुझे यकीन है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको शिफ्ट करने के लिए। एक बार थोड़ा सा मेरे को अंदर से मोटिवेशन आए, वो पैशन आए जो मुझे पहले आया था वो भी आ नहीं रहा है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, और आप लोग भी
पूरी कोशिश करना। ये थी मेरी जर्नी। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं कोई गायनो नहीं हूँ, तो मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर करी है वो अपनी जर्नी शेयर करी है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, और जो भी आपको बताया है कि मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती है। तो आप चाहो तो प्रॉपर डाइट प्लान्स ले सकते हो एंड दैट्स इट। अगर आप लोगों की अभी भी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके बाय।